एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेहत और सौंदर्य पर। दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सा ब्यूटी DIY। दोस्तों आज मैं शेयर करूँगी एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी फेस पैक, जिसको कि आप अपने डेली के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल किया है वो सभी के किचन में आसानी से मिल जाएगा और खर्च तो बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। इस फेस पैक से आपका रंग तो गोरा हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपके स्किन में गजब का ग्लोइंग आ जाएगा। ये एक तरह से फेशियल का भी काम करता है और ये आपके स्किन को मॉइस्चर भी करेगा। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक के फायदे क्या क्या हैं ये हम जान लेते हैं। एक तो बहुत ही आसानी से रसोई घर में सारे इन्ग्रीडियंट्स मिल जाएंगे, और दूसरी बात क्या है, चाहे आपको रोज़ उबटन की तरह यूज़ करना हो, आपकी स्किन की ये क्लिंजिंग करनी है, स्क्रबिंग करनी है, सारे डेड स्किन हटानी है, स्किन पर ग्लो लाना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनवांटेड हेयर्स की, यानी कि आप चाहते हैं हाथों और पैरों के अनचाहे बालों को हटाना, तो ये उबटन एक ऐसी चीज़ है जिसके रेगुलर यूज से आपके जो अनचाहे बाल हैं वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे, और इसके यूज़ से आप पार्लर में जाकर वैक्सिंग और थ्रेडिंग से भी बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पैसे की पैसे तो बचेंगे ही, दर्द भी नहीं होगा और हमेशा आप खूबसूरत बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस उबटन को आप अगर अपने डेली नहाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उबटन को आप हर स्किन टाइप पर, बच्चों तक पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी सेफ है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। तो एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप इस उबटन को डेली DIY की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसे लगाने के बाद नॉर्मल ठंडे पानी से धो लें, साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ग्लो कम हो जाएगा। क्योंकि ये एक हर्बल DIY है और साबुन में केमिकल्स होते हैं, यानी कि इमीडिएटली सोप का इस्तेमाल ना करें। इसे बनाने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा है कि इस फेस पैक को बनाने के लिए खर्च बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, और जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपके रसोई घर में आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, इस चम्मच से भरकर मैंने 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा लिया है, जो कि बिल्कुल छाना हुआ नहीं है। इसे मैंने छन्नी से बिल्कुल नहीं छाना है, क्योंकि ये मैंने फाइबर सहित लिया है इस आटे को, क्योंकि ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा और हमारे स्किन में जो भी डर्ट जमा होती है उसे निकालने में भी ये हेल्प करती है, और जो अनवांटेड हेयर होते हैं उसे हटाने में भी काफ़ी मदद करती है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स देखिए, 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और अब मैं इसमें आटे में हल्दी पाउडर को डाला और इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया। फ्रेंड्स, हल्दी जो है वो स्किन को गोरापन तो देती है, और साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक होने के कारण स्किन के दाग धब्बे को भी दूर करती है, तथा पिंपल्स एक्ने को भी दूर करती है। दोस्तों, हल्दी के इतने फायदे हैं कि इसे एक तरह से आयुर्वेदिक औषधि ही माना जाता है। तो इसमें हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है, वो है मस्टर्ड ऑयल। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी में मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल कीजिए, कोई दूसरा ऑयल नहीं। सरसों का तेल 1 टेबल स्पून इसमें आटे और हल्दी के मिक्सर में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, सरसों का तेल जो है वो इस पैक को एक चिपचिपापन देती है, जिससे कि आप बॉडी पर जब लगाते हो तो रगड़ कर उतरती है, जिससे डीप क्लिंजिंग होती है, जो हमारे हाथों और पैरों में अनचाहे बाल हैं वो भी उतर जाते हैं, निकल जाते हैं। सरसों के तेल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, साथ ही जब उबटन को रगड़ कर उतारते हैं, रब करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और स्किन में ग्लो आता है, स्किन शाइन करती है। दोस्तों, जितनी आसान पैक है उतना ही असरदार है, आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मिला लेना है, और इस उबटन को तैयार करने के लिए मैं डालूंगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी और एक गाढ़ा सा फेस पैक बनाऊंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालनी है और फेस पैक को तैयार करना है। Yeah.
इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे गाढ़ा ही रखना है। दोस्तों देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। इस फेस पैक की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे मैं डेली DIY की तरह कैसे यूज़ करेंगे, इसका तरीका मैं यहाँ दिखाकर बता रही हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से इसे अपने हाथों से ले लीजिए और इस तरह से आप इसे रब करते हुए लगाइए। ऑयल होने के कारण ये थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन आपके स्किन में काफ़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी, ग्लोइंग आ जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके स्किन पर ये ठहरे, पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस फेस पैक को आप लगभग 5 से 10 मिनट तक लगे रहने दीजिए। 10 मिनट तक इसे छोड़ने के बाद, सूखने के लिए छोड़ने के बाद आप इसे इस तरह से रब करते हुए उतार लीजिए। इससे आपके स्किन में ग्लोइंग तो आएगी ही, साथ ही साथ आपके अनचाहे बाल भी परमानेंटली निकल जाएंगे। और एक चीज़ आप और फील करेंगे कि इसे निकालने के बाद स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और इसे लगाने के बाद आप कोई भी साबुन का यूज़ नहीं करें, आपके स्किन में गोरापन आए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस हाथों में मैंने उपटन लगाया था और इसमें नहीं लगाया था, तो दोनों में फ़र्क तो आपको नज़र आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स ये इसे आप रेगुलरली उपटन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलरली 8 से 10 दिनों तक यूज़ करने पर आप अपने स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो पाएंगे। ये सभी स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ब्राइट हो तो भी इसे सुपटन को यूज़ कर सकते हैं। मेल फीमेल बच्चे सभी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो 15 से 20 दिनों तक यूज़ करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं, बाल जो होते हैं, वो भी बिल्कुल निकल जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे, और आपको पार्लर जाकर वैक्सिंग और थ्रेडिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर। बाय बाय।